सीबीसी वर्ड्स में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम क्लास सिक्स मैथ्स का चैप्टर टेन जिसका नाम है मैंसुरेशन उसकी एक्सरसाइज टेन पॉइंट वन डिस्कस करेंगे पिछली वीडियोस के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर वन टू इलेवन डिस्कस कर लिया था आज इसके आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे तो वो वीडियोज अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से देख सकते हो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ट्वेल्व सेंटीमीटर एंड फोर्टीन सेंटीमीटर कोई ट्राइंगल है उसके दो साइड आपको दिए हुए हैं द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज थर्टी सेंटीमीटर और आपको पेरीमीटर भी दिया हुआ है इज इट्स थर्ड साइड साइड उसकी उसकी तीसरी क्या क्या होगी 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 यानी कितनी बड़ी क्या लेंथ ये आपको बताना है तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है तो पहली लाइन हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ये कितना है थर्टी सिक्स सेंटीमीटर अब पेरीमीटर में हम क्या करते हैं जो भी फिगर होती है उसमें जितनी भी साइड होती है सबको ऐड कर लेते हैं तो ट्राइंगल की भी तीनों साइड हम ऐड कर लेंगे तो चलिए कर लेते हैं एक साइड हमको 12 सेंटीमीटर दिया है दूसरा 14 सेंटीमीटर दिया और तीसरा नहीं पता तो हम लिखेंगे 12 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस थर्ड थर्ड साइड साइड नहीं पता तो हमने सिर्फ लिख दिया ये हमारा है 36 सेंटीमीटर अच्छा इस 12 और 14 को ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ट्वेंटी सेंटीमीटर प्लस थर्ड साइड इक्वल थर्टी सेंटीमीटर हमको क्या करना है ये थर्ड साइड निकालना है यानी थर्ड साइड इक्वल क्या होगा हो? इसका मतलब अगर ये ट्वेंटी हट जाए तो सिर्फ हमको थर्ड साइड इक्वल जो भी आएगा वो पता चल जाएगा तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन से बताया था कि अगर किसी नंबर को इक्वल के एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हैं तो अगर वो मल्टीप्लाई था तो डिवाइड हो जाएगा डिवाइड में था तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर वो प्लस में था तो वो माइनस में हो जाएगा अगर माइनस होगा तो वो प्लस में हो जाएगा ठीक है अब ये 26 प्लस में है यानी पॉजिटिव है कि निगेटिव है बाद वाला साइन नहीं देखेंगे बाद में तो प्लस लिखा हुआ है ट्वेंटी से पहले क्या लिखा हुआ है तो अगर किसी नंबर के पहले कोई साइन नहीं लगा इसका मतलब वो पॉजिटिव नंबर है जैसे हमने लिख दिया टू तो इसको टू लिख दो या प्लस टू लिख दो बात एक है क्योंकि ये टू पॉजिटिव है अगर निगेटिव होगा तो माइनस लगाना पड़ेगा तो 26 से पहले कोई साइन नहीं लगा इसका मतलब 26 पॉजिटिव है ये इक्वल के इधर साइड अगर हम भेज दें तो अपना काम बन जाएगा और इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का माइनस हो जाएगा तो थर्ड साइड इक्वल हो जाएगा 36 सेंटीमीटर के और 26 प्लस था तो माइनस हो जाएगा माइनस ट्वेंटी सेंटीमीटर 36 सिक्स में ट्वेंटी सिक्स गया आपका टेन सेंटीमीटर बचेगा तो तीसरी साइड आपकी टेन सेंटीमीटर की है अब ऐसे ट्राइंगल बना के आप चेक भी कर सकते हो कि एक साइड ट्वेल्व दिया है दूसरा फोर्टीन दिया है और तीसरा भी हमने टेन निकाला इसका मतलब इन तीनों को अगर हम ऐड कर लें तो हमारा जो पेरीमीटर दिया थर्टी सिक्स सेंटीमीटर वो आना चाहिए ट्वेल्व प्लस फोर्टीन ट्वेंटी सिक्स होता है ट्वेंटी सिक्स प्लस टेन थर्टी सिक्स होता है नहीं, बात सही है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर थर्टीन फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड टू फिफ्टी मीटर एट द रेट ऑफ रुपीज ट्वेंटी पर मीटर एक स्क्वायर पार्क है उसकी फेंसिंग करनी है यानी किनारे किनारे उसकी एक तरह की बाउंड्री करनी है जाली टाइप की लगानी है उस स्क्वायर पार्क आपको साइड दिया हुआ है अच्छा फेंसिंग कहाँ होती है बाउंड्री पे होती है यानी इसे मान लो ये हमारा पार्क है तो जो फेंसिंग होगी जो जाली लगाई जाएगी इसकी बाउंड्री बाउंड्री पे लगेगी कि अंदर कोई घुसना है बाउंड्री बाउंड्री यानी उसके पेरी में लगेगी तो पहला काम यह है कि पेरीमीटर हमको पता चल जाए तो जितना पेरीमीटर होगा उतनी लंबी हमको फेंसिंग चाहिए होगी और एक मीटर फेंसिंग का रेट आपको दिया हुआ है तो सबसे पहला हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर यानी उसकी बाउंड्री कितनी बड़ी होगी तो जितनी बड़ी बाउंड्री होगी उतनी बड़ी आपको पूरी फेंसिंग करनी पड़ेगी उतनी बड़ी जाली लगानी पड़ेगी एक मीटर फेंसिंग का आपको रेट दिया है ट्वेंटी मीटर एक मीटर की अगर आप फेंसिंग करोगे तो बीस रुपए देना पड़ेगा थाउजेंड मीटर करेंगे तो यानी एक मीटर की फेंसिंग करोगे तो बीस रुपए आपको देना पड़ेगा थाउजेंड मीटर करेंगे तो ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाई थाउजेंड बाई वन से थाउजेंड कैसे बना थाउजेंड से मल्टीप्लाई करके तो ट्वेंटी में भी थाउजेंड मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो थाउजेंड मीटर की फेंसिंग का रेट आ जाएगा तो यही हम करेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वन मीटर ऑफ पार्क इक्वल रुपीज ट्वेंटी देर फॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पार्क इक्वल रुपीज ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाई थाउजेंड तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आएगा रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड क्वेश्चन नंबर थर्टीन हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क तो ये भी उसी तरह से हो जाएगा रेक्टेंगुलर पार्क दिया है आपको लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है पर मीटर का रेट आपको दिया हुआ है फेंसिंग का तो यहां भी ऐसे ही आप पेरीमीटर निकाल लोगे फिर जो रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल आपका आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ लेंथ आपकी 175 मीटर है ब्रेथ 125 मीटर है दोनों को ऐड करोगे आपका 300 मीटर आ जाएगा इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 मीटर आ जाएगा ये पेरीमीटर हो गया अब एक मीटर फेंस करने का रेट ट्वेल्व रुपीज है तो सिक्स हंड्रेड मीटर हमको करना है पूरी बाउंड्री करनी है उसकी तो आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ ऑफ फेंसिंग वन मीटर पार्क ये आपका है द दे टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पार्क ये हो जाएगा रुपीज ट्वेल्व और कितनी बड़ी उसकी बाउंड्री है यानी जो की है सिक्स मीटर इसको साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हो नहीं तो ट्वेल्व और सिक्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो और लास्ट में दो जीरो लगा दो होता है और दो जीरो हमने और लगा दिया तो ये फोर्टीन वाले का भी आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर स्वीटी रंस अराउंड अस्क्यर पार्क ऑफ साइड सेवेंटी फाइव मीटर स्वीटी क्या करती है कि स्क्वायर पार्क है उसके अराउंड चारों तरफ उसकी बाउंड्री बाउंड्री में दौड़ती है स्क्वायर पार्क आपको साइड दिया है सेवेंटी फाइव मीटर बुलबुल रनौउंड रेक्टेंगुलर पार्क विद्थ सिक्स मीटर एंड ब्रेथ फोर्टी फाइव मीटर और बुलबुल चारों तरफ दौड़ती है एक रेक्टेंगुलर पार्क की उसके लेंथ और ब्रेथ आपको दिया हुआ है हु कवर्स लेस डिस्टेंस तो कौन कम डिस्टेंस कवर करना है ये आपको बताना है तो देखो स्वीटी स्क्वायर पार्क के चारों तरफ दौड़ती है यानी उसके पैरीमीटर में दौड़ती है तो पेरीमीटर जितना बड़ा होगा उतनी दूर तक स्वीटी दौड़ेगी इसी तरह से बुलबुल रेक्टेंगुलर पार्क के चारों तरफ दौड़ रही है यानी उसकी बाउंड्री बाउंड्री पे दौड़ रही है तो वो बाउंड्री पूरी कितनी बड़ी होगी यानी उस रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर क्या होगा वो हमें दे देगा कि बुलबुल -बुल कितनी दूर दौड़ रही है फिर उससे किसका कम है वो हम निकाल सकते हैं तो चलिए हम करते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय स्वीटी ये किसके बराबर होगा स्क्वायर पार्क के पेरीमीटर के बराबर इक्वल पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पार्क पेरीमीटर कैसे निकलता है फोर मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ अ साइड यानी फोर मल्टीप्लाई बाई साइड की लेंथ मीटर है तो ये सेवेंटी फाइव मीटर हो गया साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो इसका आपका आ जाएगा थ्री हंड्रेड मीटर इसी तरह डिस्टेंस कवर्ड बाई ये इक्वल होगा पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इसका फॉमुला लगा देंगे लेंथ हमको सिक्सटी मीटर और ब्रेथ फोर्टी फाइव मीटर दिया हुआ है सिक्सटी प्लस फोर्टी फाइव आपका वन हंड्रेड फाइव होता है इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू हंड्रेड टेन मीटर आ जाएगा हमको बताना है कौन कम डिस्टेंस कवर कर रहा है स्वीटी कवर कर रही है 300 मीटर और बुलबुल बुल कवर कर रही है 210 मीटर तो 210 मीटर कम है बुलबुल बुल कवर्स लेस डिस्टेंस तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स तो नीचे जो आपको फिगर दी है उसका पेरीमीटर आपको निकालना है वॉट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर तो जो आंसर आपका आएगा उससे क्या इन्फर करते हो क्या बात समझ में आ रही है आपको क्या निष्कर्ष आप निकाल रहे हो तो पहले हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं ए वाली फिगर की बात कर लें तो यहां स्क्वायर है जिसका साइड ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसमें आप लिखोगे पेरीमीटर इक्वल फोर मल्टीप्लाई बाई लेंथ अड साइड की लेंथ हमको ट्वेंटी फाइव मीटर दी हुई है फोर और ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई होगा तो हंड्रेड आ जाएगा तो हंड्रेड मीटर आ गया पेरीमीटर ए वाली फिगर का बी वाली फिगर आपकी एक रेक्टेंगल है जिसकी जो लंबी वाली साइड यानी लेंथ है वो फोर्टी सेंटीमीटर और जो छोटी वाली साइड यानी ब्रेथ है वो टेन सेंटीमीटर है तो आप लिखोगे पेरीमीटर इक्वल फॉर्मूला लगाओगे टू मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेथ तो इसका आंसर भी आपका हंड्रेड मीटर आ जाएगा इसी तरह सी वाली फिगर का भी पेरीमीटर हंड्रेड मीटर आएगा डी वाला आपका ट्राइंगल है और ये कैसे ट्राइंगल है है क्योंकि दो जो साइड है वो बराबर है और तीसरी वाली साइड अलग है तो सिंपल तीनों को ऐड कर लो फॉमूला लगाने की जरूरत नहीं है तो 30 प्लस थर्टी सिक्सटी प्लस फोर्टी हंड्रेड तो ये भी क्या आ गया 100 मीटर आ गया यानी इन चारों फिगर के अंदर जो पेरीमीटर है वो सेम आ रहा है तो इससे यही बात समझ में आती है यही चीज आप लिख दोगे ऑल द फिगर्स हैव सेम पेरीमीटर एक और बात यहाँ समझ में आती है वो क्या कि सिर्फ हम पेरीमीटर देख के ये आइडिया नहीं लगा सकते कि जिस फिगर का पेरीमीटर की बात हम कर रहे हैं उसका शेप क्या होगा जैसे मैंने कह दिया हंड्रेड मीटर पेरीमीटर है तो आप बता नहीं सकते कि वो जो फिगर है वो स्क्वायर होगी रेक्टेंगल होगी ट्राएंगल होगी क्योंकि हमने देखा कि चाहे स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो या ट्राएंगल हो इन तीनों का ही हंड्रेड मीटर पेरीमीटर आ सकता है इसी तरह से और भी जो शेप है उसका भी पेरीमीटर हंड्रेड मीटर आ सकता है तो सिर्फ पेरीमीटर देख के हम शेप का आइडिया नहीं लगा सकते आप देख ही सकते हो कि हंड्रेड मीटर इन सभी का है लेकिन सबका शेप अलग अलग है तो ये बात भी आप लिख सकते हो पेरीमीटर ऑफ अ फिगर डज नॉट गिव एन आइडिया ऑफ इट शेप तो यह पेविंग स्लैब्स अब ये पेविंग स्लैब्स क्या होते हैं आप देखे हो कि गली वगैरह के अंदर या घरों के अंदर ब्रिक टाइप की चीजें बिछाई जाती हैं तो बिछाए जाने वाले जो स्लैब होते हैं जो ईंटें होती हैं जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो इन्हीं को हम पेविंग स्लैब कहते हैं ये अलग अलग शेप की होती हैं तो यहां पर स्क्वायर शेप की बात कर रहा है कि अवनीत ने नाइन स्क्वायर शेप की पेविंग स्लैब्स खरीदे हैं ईच विद साइड ऑफ वन बाई टू मीटर अब ये जो पेविंग स्लैब हैं स्क्वायर शेप के हैं और इसका साइड आपको दिया हुआ है ही लेस दैम इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर उसने इन पेविंग स्लैब को स्क्वायर के शेप में बिछा दिया ए वाले में आपसे पूछ रहा है वॉट इज द पेरीमीटर ऑफ इज अरेंजमेंट तो ये फर्स्ट वाले की बात है इसमें देखो इस तरह से बिछाया गया है तो ये जो पूरी फिगर बनी है इसका पैरामीटर आपको बताना है तो इसको थोड़ा मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ जैसे मान लो ये हमारे स्क्वायर स्लैब्स हैं और ये टोटल नाइन है इन स्क्वायर स्लैब्स का आपको साइज दिया हुआ है यानी इसका जो साइड है वो वन बाई टू मीटर है जैसे एक इसकी बात कर लें तो ये वन बाई टू है इसी तरह से ये भी वन बाई टू होगा क्योंकि स्क्वायर है सारे साइड बराबर है इन स्क्वायर स्लैब्स का यूज़ करके एक स्क्वायर बनाया जा रहा है तो चलिए इसको हम बना लेते हैं तो इस तरह से स्क्वायर बन गया अब ये जो स्क्वायर हमारा बड़ा सा बना है इसका पेरीमीटर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे पहले हमको साइड पता चल जाए यानी ये लंबाई हमको पता चल जाए देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वन बाई टू है फिर यहाँ से यहाँ ये वन बाई टू है ये वन बाई टू है यानी वन बाई टू प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई टू कर देंगे तो इस बड़े वाले स्क्वायर का साइड हमको मिल जाएगा और उस साइड से हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं तो ए वाले में आप क्या लिखोगे सबसे पहले साइड हम निकाल लेते हैं कि साइड कितना बड़ा है

छोटा वाला स्लैब है वो भी स्क्वायर शेप का है और उससे जो बना रहा है वो भी स्क्वायर शेप है तो कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए छोटा वाला स्क्वायर उसका जो साइड है वो वन बाई टू मीटर है लेकिन सबको मिलाकर जो एक स्क्वायर बड़ा वाला बनेगा उसकी हम बात कर रहे हैं तो फोर मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ अ साइड यानी फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री अपॉन टू मीटर अब देखो फोर न्यूमिनेटर में है टू डिनोमिनेटर में है आपस में डिवाइड हो जाएंगे ऐसे कट कर सकते हो टू वन जा टू 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 जो है और टू और थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा सिक्स मीटर तो ए वाले पार्ट का आंसर आ गया बी वाले पार्ट की बात कर लेते हैं शरी डज नॉट लाइक दिस अरेंजमेंट तो शरी को ये अरेंजमेंट पसंद नहीं आया शी गेट्स हिम टू ले देम आउट लाइक क्रॉस तो उसने कहा कि क्रॉस टाइप का बनाया जाए तो वो एक क्रॉस शेप बनाती है उन स्लैब्स का यूज करके वट इज अ पेरीमीटर ऑफ हर अरेंजमेंट तो शरी का जो अरेंजमेंट है उसका पेरीमीटर क्या होगा ये आपको सेकेंड वाली फिगर में दिया हुआ है तो चलिए हम देखते हैं इसको यानी ये वाला अरेंजमेंट है अब शरी ने इस तरह से अरेंज किया है इस फिगर का भी पेरीमीटर निकाल सकते हैं आप जानते हो ये जो छोटा वाला स्लैब है ये वन बाई टू मीटर इसका साइड है तो वन बाई टू वन बाई टू इस तरह से ये जितना साइड आपका बनेगा ये पूरी बाउंड्री का आप काउंट करते चले जाओ तो आपको ये पूरा पेरीमीटर इसका मिल जाएगा तो इसका पेरीमीटर आप निकाल सकते हो कहीं एक से स्टार्ट कर दो ये हमको पता है वन बाई टू है ठीक है तो चलिए हम काउंट कर लेते हैं वन यानी हम ये काउंट कर रहे हैं कितना वन बाई टू आएगा टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी पैरीमीटर ऑफ क्रॉस फॉर्म्ड जो क्रॉस बनेगा उसका पैरीमीटर क्या होगा छोटे वाले स्लैब की जो साइड है वो वन बाई टू की है हमने देखा कि ट्वेंटी आया टोटल यानी वन बाई टू मीटर मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी तो टू वन ज टू टू टेन जो ट्वेंटी तो यह आ जाएगा टेन मीटर तो जो क्रॉस बनेगा उसका जो पेरीमीटर आएगा पूरी बाउंड्री की जो लंबाई आएगी वो आएगी टेन मीटर इसको आप जल्दी भी काउंट कर सकते थे अगर आप देखो ये जो बनना है ये एक एल बनना है अच्छा यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है वो वन बाई टू है इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक वन बाई टू फिर यहाँ से यहाँ तक वन बाई टू और यहाँ से यहाँ तक वन बाई टू यानी वन बाई टू मल्टीप्लाई बाई फोर तो इस पूरा जो एल हमने बनाया इसका आ जाएगी लंबाई टू टू ज फोर यानी ये टू मीटर ये जो एल बनना है ये टू मीटर का बनना है इसी तरह से एक एल आपको यहाँ दिखेगा ये भी टू मीटर ये एक एल बनना है उल्टा टू मीटर ये एक बनना है टू मीटर यानी टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू तो ये एट मीटर हो गया फिर यहाँ देखोगे एक ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये यानी फोर मल्टीप्लाई बाई वन बाई टू तो टू टू जा फोर तो ये टू मीटर और आ गया तो टोटल जो आ जाएगा एट प्लस टू जो कि आपका होता है टेन मीटर तो कैसे भी आप कर सकते हो सी वाले में क्या पूछा जा रहा है विच हैज द ग्रेटर पेरीमीटर तो किसका पेरीमीटर ज्यादा है ए वाले में देखो सिक्स मीटर आया है बी वाले में टेन मीटर आया है यानी जो क्रॉस शेप है उसका पेरीमीटर ज्यादा आया है तो यही आप लिख दोगे क्रॉस हैज ग्रेटर पेरीमीटर डी वाला पार्ट है अवनीत वंडर्स इफ देयर इज अ वे ऑफ गेटिंग एन इवन ग्रेटर पेरीमीटर यानी अवनीत अब ये सोच रहा है कि क्या इससे भी ज्यादा पैरीमीटर आ सकता है यानी उसने देखा कि अगर स्क्वायर बनाया जा रहा है तो पेरीमीटर सिक्स मीटर आ रहा है जब क्रॉस बना रहे हैं तो टेन मीटर आ रहा है यानी वही नाइन स्लैब का यूज करके अलग अलग पेरीमीटर हमको मिल सकता है तो अब वो ये सोच रहा है कि क्या ऐसा भी कोई अरेंजमेंट बनाए जिसमें इससे भी ज्यादा यानी पहले सिक्स आया क्रॉस बनाया हमने तो टेन मीटर आया क्या टेन मीटर से भी ज्यादा पेरीमीटर आ सकता है ऐसा कुछ सेटिंग करें हम स्लैब्स की कैन यू फाइंड अ वे ऑफ डूइंग दिस क्या आप ऐसा तरीका बता सकते हो कि कैसे होगा ये यहां पर एक बात कह रहा है कि द पेविंग स्लैब मस्ट मीट अलोंग कम्पलीट एजेस दैट इज दे कैन नॉट बी ब्रोकन यानी जो स्लैब्स आपको लगाने हैं वो एजेस के अलोंग लगाने हैं जैसे मान लो एक स्लैब आपने ये लगाया तो दूसरा इसी के एज से मिला कर यहाँ लगाओगे या इसके ऊपर वाले से मिला कर ऐसे लगा दोगे या इस साइड लगा दोगे यानी ये जो एज है ये मिली होनी चाहिए इस तरह से आपको नहीं करना कि जैसे मान लो एक आपने ये लगाया दूसरा ये लगाया और कुछ गैप देखे तीसरा ये लगा दिया और चौथा ये लगा दिया अब इसका पैरामीटर आप निकालोगे कि ये देखो ऐसे ये आ जाएगा और ये आ जाएगा इससे क्या होगा दो अलग अलग फिगर बन जाएगी और ये हमको नहीं करना कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए सारे स्लैब आपस में कनेक्टेड होने चाहिए तो इस तरह से आप अलग अलग अरेंजमेंट बनाकर देखो कि क्या किसी में ऐसा हो सकता है कि टेन मीटर से भी ज़्यादा आ जाए तो आप खुद से जब ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा ऐसा कोई भी अरेंजमेंट नहीं है जो पेरीमीटर टेन मीटर से ज़्यादा दे इसलिए हम डी वाले में लिखेंगे हमसे क्या पूछा है कि क्या इससे भी ज़्यादा पेरीमीटर आ सकता है तो आप लिखोगे नो वी कैन नॉट गेट पेरीमीटर ग्रेटर दैन टेन मीटर तो टेन मीटर से ज़्यादा पेरीमीटर नहीं आ सकता इन्हीं नाइन स्लैब्स का यूज़ करके अब कुछ लोग इसका आंसर क्या देते हैं कि अगर स्लैब्स को हम एक लाइन में अरेंज कर दें जैसे ये उसके बाद दूसरा ये फिर तीसरा ये इस तरह से हम अरेंज करते जाएं तो एक अरेंजमेंट बन सकता है लेकिन उस केस में भी आप पता करोगे जब काउंट करोगे तो टेन मीटर आएगा यहां क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो यानी आपसे ए वाले में एक फिगर बना के उसका पेरीमीटर पूछा सिक्स मीटर दूसरे वाले में पूछा उसमें टेन मीटर आया फिर आपसे सी वाले में पूछा कि किसका पेरीमीटर ज्यादा है तो आपने कहा बी वाले का ज्यादा है क्रॉस बनाने में ज्यादा है अब डी वाले आपसे पूछ रहा है क्या इससे भी ज्यादा आ सकता है ये जो इवन ग्रेटर का मतलब यह है कि अभी हम दो केस में तो हमने देखा कि एक में कम था दूसरे में ज्यादा क्या अब और इससे भी ज्यादा आ सकता है तो ये इंग्लिश को आपको थोड़ा समझना है कि क्या पूछा जा रहा है इसी में लोगों की अक्सर गलती हो जाती है और एक और अरेंजमेंट इस तरह का बना देते हैं कि एक लाइन में लगा देंगे उससे टेन मीटर आ जाएगा और टेन मीटर तो ए वाला जो आया था हमारा उससे ज्यादा ही है उसमें तो सिक्स मीटर आया था तो ए वाले से हमको कंपेयर नहीं करना है बी वाले से कंपेयर करना है कि क्या बी वाले से भी ज्यादा आ सकता है यानी टेन मीटर से ज्यादा आ सकता है तो नहीं आएगा तो ये डी वाला पार्ट हमारा हो गया इसी के साथ ये पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई और वीडियोज अगर आपको देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा वीडियो चल रही होगी पहले आप वीडियो को लाइक कर लो चैनल को सब्सक्राइब कर लो नीचे आपको मोर लिखा होगा वहां क्लिक करना है फिर यहाँ भी आपको मोर लिखा है यहां भी क्लिक करना है स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपका ये पूरा डिस्क्रिप्शन है तो इसके अंदर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा ठीक है साइंस मैथ इस तरह से तो जिस चैप्टर की वीडियो आपको देखनी है उस चैप्टर का नाम लिखा हो उसके साथ एक लिंक होगा साइड में या नीचे उस पर आपको क्लिक करना है तो उस चैप्टर की प्ले ओपन हो जाएगी और सारी वीडियो वहां से उस चैप्टर की देख सकते हो ओके थैंक यू